सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। तो मैं बात करने वाला हूँ JCB के बारे में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बता रहा है भाई, लेकिन नहीं, इंटरनेट पर अभी JCB के मीम्स बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं और अभी JCB के मीम्स अभी इंडिया में ट्रेंडिंग पर है। अब आई डोंट नो ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में अलग अलग रीजंस थे, इसलिए मैं वो रीजन कवर नहीं करूँगा। लेकिन जो भी, वो बहुत अच्छे अच्छे मीम्स बन रहे हैं JCB को लेकर, और इसी के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना रिएक्शन भी दिए हैं, जैसे आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, बीवी वाइंस, हर्ष बेनीवाल, टेक्निकल गुरुजी एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष चंचलानी का रिएक्शन देख लेते हैं। तो आशीष चंचलानी अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए, इन आवर हर्ट्स वी ऑल नो वाचिंग JCB की खुदाई इज प्योर प्लेजर, कोई नहीं छीन सकता ये हक तुमसे। एंड वो एक जोक भी ट्वीट किए है अपने ट्विटर में, सी ओ बेबी लुक एट मी इन दी वे लाइक दी रोड चपरिस लुक एट JCB की खुदाई, मी माँ बहू मिल गई। फिर हर्ष बेनीवाल भी अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए, वाई दी हेल JCB मीम्स आर ऑल ओवर द इंटरनेट। फिर हर्ष बेनीवाल कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो भी पोस्ट किए, तो आप भी देखिए हर्ष बेनीवाल क्या शेयर किए थे। अब ये JCB की खुदाई करने निकला है, ये देखो संतरा नारंगे। फिर अमित भड़ाना भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में JCB के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये पोस्ट किए थे, ये JCB की खुदाई का क्या मामला है, हर कोई इसके मीम भेज रहा है। फिर गौरव तनेजा कल अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए थे, माय ब्लॉगिंग इक्विपमेंट कितने का माल लग रहा है। फिर भुवन बाम इसको रिप्लाई किए और लिखे, इसको बेच के अपना JCB ले लो। फिर गौरव तनेजा भी भुवन बाम को रिप्लाई किए और लिखे, अरे इतनी हुदाई कौन करेगा, जहां जरूरत होगी किराए पे ले आएंगे। फिर टेक्निकल गुरुजी उर्फ गौरव तनेजा भी आज अपने ट्विटर में ये फोटो शेयर किए और लिखे, ऑफ टू डेल्ही हैशटैग JCB की खुदाई मेड दिस एमिरेट्स फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस 1000 बेटर। आप देख सकते हो वो फ्लाइट में JCB की खुदाई देख रहे हैं। सो यार, मतलब इससे पता चलता है कि JCB की खुदाई कितने ट्रेंडिंग पर है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स JCB की खुदाई के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। सो या, यही था न्यूज़ JCB के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई के बारे में। सो या, फाइनली कल टी सीरीज ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैनल पर। एंड इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए टी सीरीज अपने इंस्टाग्राम में ये पिक शेयर किए और नीचे कैप्शन में लिखे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूब चैनल टी सीरीज हैज अचीव्ड अनदर यूट्यूब माइलस्टोन बाई बींग द फर्स्ट वन टू क्रॉस एन एस्टोनिशिंग 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फैंस फॉर बींग पार्ट ऑफ आवर जर्नी, टी सीरीज मेकिंग इंडिया प्राउड। एंड टी सीरीज के ऑनर भूषण कुमार भी कल अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए, सल्यूट टू इंडियाज पावर, इट इज द पावर ऑफ इंडियन कंटेंट कंज्यूमर्स एंड आवर डिजिटल स्ट्रेंथ डेट हैड लीड अस टू ए माइलस्टोन ऑफ 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, थैंक यू। सो या, महार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टी सीरीज फॉर बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूट्यूब चैनल टू क्रॉस 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो या, अभी तक तो कोई भी यूट्यूबर इस चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं किए हैं, जैसे ही रिएक्ट करेंगे आप लोगों को मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ बियर बाइसेप्स उर्फ रणबीर अलाहाबादिया के बारे में। तो लगता है रणबीर अलाहाबादिया एंड मोस्टली सेन का एक कॉलैब वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, सोया लेट्स सी ये कॉलैब वीडियो हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, इलेक्शंस 2019। तो उस वीडियो में एलविश यादव ने गालियों का यूज किया था, एंड उस टाइम पे तो एलविश यादव को बहुत सारे लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि गालियों का यूज मत करो, गालियों का यूज क्यों किया आपने। लेकिन कई सारे लोग एलविश यादव को अभी तक बोल रहे हैं कि उन्होंने गालियों का यूज क्यों किया था अपने वीडियो में। एंड लगता है एलविश यादव थोड़े से इरिटेट हो गए इस चीज को लेकर। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एलविश यादव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, तो भाई जैसे कि मेरी लास्ट पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने गाली बक, यार मेरे को एक चीज बताओ बड़ी प्यार से, कि मानो मैंने एक वीडियो में गाली बक दी लास्ट वीडियो में,
तो अब क्या हर हर पोस्ट पे, हर स्टोरी पे, हर वीडियो पे, जो भी मैं पोस्ट करूंगा उस पे ये करोगे क्या कि भाई आप गाली क्यों बक रहे हो? यार मेरे को पता है कि बक दी मैंने, अब जो चीज रिवर्स नहीं हो सकती तो उस चीज को बार बार बोल के भी क्या फायदा? तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक चीज को बार बार मत बोलो, मेरे को भी पता है कि क्या हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी तो वो वाली बात होगी कि मान लो मैंने 20 साल बाद कोई वीडियो निकाली तो आप उस पर भी कमेंट करोगे, भाई 20 साल पहले आपने एक वीडियो निकाली थी उस पर आपने गाली दी थी। तो यार मैं भी समझता हूँ कुछ चीजें, तो आप लोगों को भी समझनी चाहिए, तो आप समझो थोड़ा सा। थैंक यू। सो यार अब मुझे नहीं लगता उनके आने वाले वीडियोस में एलबी शायद अब गालियों का यूज करेंगे, सो लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ मुंबई कर निखिल के बारे में। तो मुंबई कर निखिल आज 9:30 बजे एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो कि शायद कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये मैं नहीं बल्कि मुंबई कर निखिल खुद कहे है, तो आप भी देखिए मुंबई कर निखिल क्या कहे। Hey guys, कल वीडियो आने वाला है। अब मैं खुद डाइसी हूँ कि वीडियो रिलीज करूँ कि नहीं करूँ। ऑब्वियसली स्टोरी बना रहा हूँ तो वीडियो रिलीज करूंगा, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बड़े स्केल पे। फिंगर्स क्रॉस्ड, पूरी कोशिश की है कि उसको थोड़ा रखूँ। कल देख लेना 9:30 बजे। ओके सो यार जब तक मैं ये अपना वीडियो अपलोड करूंगा तब तक तो मुंबई का निखिल ऑलरेडी अपना वीडियो अपलोड कर चुके होंगे अपने चैनल पर, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ रोहित के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता रोहित कौन है तो बता दूं कि रोहित भुवन बाम के मैनेजर है। तो वो कल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, समिंग अप आवर फ्रांस और इटाली गेट अवे, नेक्स्ट ऑफ डेल्ही, बिग अनाउंसमेंट्स, जून इज फुल ऑफ बकेट लिस्ट काइंड ऑफ थिंग्स। सो यह आप लोगों को तो पता होगा कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी, रोहित ये सब गए हुए थे फ्रांस में, एंड लगता है उनका आने का टाइम हो गया है। एंड या जैसे कि रोहित बताए, इसे देखकर लगता है कि बहुत सारे बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं भुवन बाम जून में। सो या लेट्स सी वो बिग अनाउंसमेंट क्या होते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इसी तरह के यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।